वीकेंड के वॉर पे बहुत सारा मसाला चलता है, किसी की लड़ाई होती है। बिग बॉस चाहते हैं कि दोस्त दोस्त में लड़ाई हो जाए, दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाए और टीआरपी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाए। घर के अंदर जब से चैलेंजर्स एंटर हुए हैं तो उनको भी अच्छी खासी लताड़ पड़ी है। सलमान खान ने रूबीना और जासमिन के बीच भी कल के दिन आपका स्टेप प्रोमो में आपने देखा होगा फूट से डाल दिया। लेकिन आज के दिन कौन होगा बिग बॉस के घर में गेस्ट? जी दोस्तों, हर एक वीकेंड के वॉर में एक गेस्ट आता है अपने प्रमोशन के लिए। तो इस बार कौन होगा? पहले काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी कि आसिम रियाज होने वाले हैं, और कल मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी कि न्यूज़ आ रही है कि आसिम रियाज बिग बॉस में आए हैं। लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि अभी क्योंकि प्रोमो रिलीज़ नहीं हुए तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि ध्वनि भानुशाली, जी हाँ दोस्तों, फेमस सिंगर ध्वनि भानुशाली बिग बॉस में आने वाली है अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए। नैना उनका हाल ही में सॉन्ग रिलीज़ हुआ है तो उसके प्रमोशन के लिए वो बिग बॉस के सेट्स में हमें देखने को मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या आसिम रियाज भी आएंगे, क्या आसिम रियाज भी ध्वनि भानुशाली के साथ अपने सॉन्ग के प्रमोशन के लिए आएंगे, या फिर वो नेक्स्ट वीकेंड के वॉर में आएंगे, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वेल, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा डाउट है कि आ जाएंगे या नहीं, क्योंकि अगर आसिम आए होते तो प्रोमोज रिलीज़ हुए होते जिस तरह से शहनाज के हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं तो इनके प्रोमोज कहीं ना कहीं रिलीज़ होते हैं। लेकिन अभी तक अगर प्रोमोज रिलीज़ नहीं हुए हैं तो काफ़ी मुश्किल है कहना कि क्या वीकेंड के वॉर पे आसिम आएंगे या नहीं। इतना फाइनल है कि ध्वनि भानुशाली जो है वीकेंड के वॉर पे आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या कहना, क्या आप देखना चाहते हैं आसिम को भी या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, रूबीना के बड़े बड़े ट्रेंड जो है इंटरनेट पर आ लगा रहे हैं। धन्यवाद।